तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गरीबों की पढ़ाई। तो हम क्या पढ़ाई कर रहे थे, एग्जांपल्स बना रहे थे किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11 के। ठीक है, तो हम एग्जांपल 17 तक कर चुका था हम लोगों ने, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में पहुँच गए हैं, ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज हो गया हमारा ये 3 पॉइंट, रुके देख लेता हूँ, हाँ एक्सरसाइज 3.4 है। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल्स हम बना देते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस का। तो एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या फाइंड करना है आपको, प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसका, साइन एक्स इक्वल टू रूट 3/2, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना है आपकी, इसमें सॉल्यूशन आपको निकालना है, यानी कि एक्स की वो वैल्यू आपको निकालनी है जिन पे रूट 3/2 आया, मतलब रूट 3/2 आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, साइन एक्स इक्वल टू रूट 3/2 दिया हुआ है, ठीक है, और साइन एक्स रूट 3/2 किस वैल्यू पे होती है हमारी, पाई बाय 3 पे, यानी कि कितने, 60 डिग्री पे, साइन पाई बाय 3। तो एक्स इक्वल टू, एक वैल्यू हमारी एक्स की पाई बाय 3 निकल गई, ठीक है, और दूसरी कब आती है, रूट 3/2, दूसरे आएगा हमारा, जैसे कि x इक्वल टू पाई माइनस, थोड़ी सी गलती हो गई मेरी, चलिए लिखा दे रहा हूँ आपको, साइन x इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाय 3 इक्वल टू साइन 3 पाई माइनस पाई बाय 3 साइन एक्स। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन 2π/3, एक्स इक्वल टू 2π/3। तो थोड़ा मैं भूल गया, ठीक है, एक्सप्लेन करना, तो हाँ फिर से बता दे रहा हूँ आपको, देखिए, तो एग्जांपल नंबर 18, ठीक है, तो इसमें साइन एक्स इक्वल टू रूट 3/2 दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपको वो सॉल्यूशन फाइंड करना है जिसपे ये पॉजिटिव आया, मतलब एक्स की वो कौन सी वैल्यू है जिसपे रूट 3/2 आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि साइन एक्स रूट 3/2 साइन की कितने डिग्री पे आती है, तो 60 डिग्री पे आती है, यानी कि एक्स की वैल्यू एक पाई बाई 3 हो जाएगी, पॉजिटिव आती है। और दूसरी पॉजिटिव कब आएगी, आपको पॉजिटिव पता है एक फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहता है और एक सेकेंड क्वाड्रेंट पे, टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 1, 2, 3, 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे हमारे साइन पॉजिटिव रहते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का भी एंगल आएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से बड़ा होता है और 180 से कम होता है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, तो आपने वैल्यू पढ़ी थी, अगर आप पाई से माइनस कर दोगे, ठीक है, तो वो चेंज भी नहीं होगा कॉस में, ठीक है, वो साइन इटसेल्फ ही देगा और आपको मिल जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल 2π/3, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन कौन सा हो गया, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, सॉरी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज पाई बाय 3 एंड 2π/3, ठीक है। तो यही हमारी आंसर हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 19 की ओर बढ़ते, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ एग्जांपल की, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो यूट्यूब पर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।